राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 11 जुलाई को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान ये कह दिया कि हिंदुस्तान आतंकवाद से पीड़ित रहा है। दरअसल उनका ये बयान बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि जिन लोगों के सामने उन्होंने ये बयान दिया या ये बात कही वो अपने आप में सोचने वाली बात है। डोभाल ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित प्रोग्राम में ये कहा कि हिंदुस्तान में कोई धर्म खतरे में नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, भारत सभी मसलों के हल के लिए सहनशीलता, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है, भारत में सभी को बराबर का हक है। डोभाल ने ये कहा कि ये कोई संयोग नहीं है कि लगभग 20 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद वैश्विक आतंकवाद में भारतीय नागरिकों की भागीदारी अविश्वसनीय रूप से कम रही है। अब आप खुद सुनिए कि आतंकवाद पर अजीत डोभाल ने कहा क्या है। इंडिया हैज आल्सो बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म फॉर मेनी डिकेड्स। द कंट्री हैज फेस्ड न्यूमरस टेररिस्ट अटैक्स इंक्लूडिंग द 2008 मुंबई अटैक्स व्हिच क्लेम्ड 168 लाइव्स। इंडिया हैज एक्टिवली बीन वर्किंग टू कॉम्बैट टेररिज्म थ्रू वेरियस मींस इंक्लूडिंग स्ट्रेंथनिंग इट्स सिक्योरिटी अपैरेटस, enacting new laws and cooperating with other countries to prevent terrorist activities. However, in this war against terror, even in the face of grave provocation, India has steadfastly upheld the rule of law, rights of its citizens and protection of human values and human rights. India is an extremely responsible power, but when the need for a hot pursuit against terrorist heavens डोभाल ने यह भी कहा कि भारत विविधता से भरा हुआ देश है, भारत सभी धर्म को स्पेस देने में सफल रहा है, हम दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश हैं, हमारे देश की मुस्लिम जनसंख्या इस्लामी सहयोग संगठन के 33 सदस्यों के बराबर है। उन्होंने कहा कि पवित्र कुरान विविध पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता और समझ के महत्व पर जोर देता है। इस दौरान प्रोग्राम में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा भी मौजूद रहे। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने प्रोग्राम में ये भी कहा कि हम भारत के इतिहास और विविधता की सराहना करते हैं, समय की मांग है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित हो। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बाद भी धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में भारतीय मुस्लिमों को हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।